बिग बॉस के घर में आयशा के साथ हुआ हादसा, जहां सीधे बुलाया गया मेडिकल रूम, चक्कर आकर गिरती हुई नजर आई और मुनव्वर फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। ऐसा क्या हो गया आयशा के साथ, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फूज। वेल, जैसा कि हमने कल का एपिसोड देखा और कल के एपिसोड में काफी कुछ हमें बोरिंग सी चीजें देखने को मिली और उनमें से एक ऐसा भी देखने को मिला कि आयशा की तबीयत बिग बॉस के घर में काफी ज्यादा बिगड़ गई थी और बहुत ही हालत भी खराब हो गई थी, क्योंकि आयशा जिस चीज के लिए आई थी उस चीज को वो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी और जिसके चलते वो फेंट आकर चक्कर आकर गिर जाती है। हालांकि आपको बता दें कि हमने देखा कि एपिसोड में कि उनका बीपी लो का इश्यू है, हालांकि मनारा पूछने भी गई कि नींबू पानी चाहिए या कुछ चाहिए, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे जो है आयशा ने मना कर दिया, मुनव्वर ने भी मना कर दिया, जिसके बाद मेडिकल रूम जा ही रही होती है आयशा की, इसी के साथ वो चक्कर खाकर गिर जाती है और सभी लोग परेशान हो जाते, कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं सब लोग कि अचानक से चक्कर आके कैसे गिर गए, जिसके बाद मेडिकल रूम भी लेकर जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मेडिकल रूम के बाहर मुनव्वर खड़े रहते हैं और मुनव्वर काफी ज्यादा सदमे में चले जाते हैं, उन्हें काफी झटका लग जाता है और वो काफी रोते भी हैं, लेकिन यहाँ पर अभिषेक जो है कंसोल करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आयशा जो चक्कर खा के गिरी थी वो पूरी तरीके से ठीक है और उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी जैसा कि बिग बॉस के घर में दिखाया गया। तो इस पर क्या है आपको कहना, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिग बॉस से रिलेटेड अपडेट्स को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।